हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कौशल किशोर शर्मा। मैं आपका दोस्त विनय मल्होत्रा, कार शो विद विनय से। तो आज हम दोनों आपको दिखाएंगे किया कारेंस प्रेस्टीज ऑप्शनल मैनुअल। प्रेस्टीज ऑप्शनल मैनुअल की बात करें तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 12,11,900। जी हाँ, 12,11,900 रुपीज ओनली मल्होत्रा जी। एंड इसका अगर टॉर्क की बात करेंगे तो 144 इसका mm का 144 mm का टॉर्क है। और गाड़ी जो है प्रेस्टीज वो ऑप्शनल मॉडल 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ है और स्टिल गाड़ी वेटिंग पे है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस गाड़ी के अंदर जो फीचर एड ऑन किया इंडिया ने, बहुत इंप्रेसिव और बहुत वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। एक बार आप किसी भी कॉम्पिटिशन की गाड़ी को अगर देखने जा रहे हैं सपोज, तो एक बार इसको जरूर कंसिडर कीजिए। राइट, बात करते हैं कारेंस प्रेस्टीज मैनुअल ऑप्शनल की। सॉरी, तो गाड़ी आपके सामने खड़ी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसका एक छोटा सा वॉक अराउंड कराऊंगा, मैं और मल्होत्रा जी दोनों साथ में। इसके आपको फीचर्स बताएंगे, आपको कंप्लीट डिटेल्स देंगे, सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो बने रहिए हम दोनों के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। यह है दोस्तों आपकी किया कारेंस प्रेस्टीज मैनुअल ऑप्शन। प्रेस्टीज ऑप्शनल मैनुअल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्रंट में LED DRLs मिलती है, हैलोजन हेडलैम्प मिलती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। और यह है इसकी लाइट यानी टर्निंग इंडिकेटर। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी किया सिग्नेचर लोगो आपको यहाँ पर मिल रहा है सिल्वर कलर में। बात करें तो अगर आप यहाँ पर फ्रंट में ग्रिल में भी देखेंगे आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग मिल रही है, जो सिल्वर कलर का पूरा पेंट फिनिश मिल रहा है, ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। टायर की अगर हम बात करें तो टायर आपको मिलता है यहाँ पर 16 इंचेस का R16 यहाँ पर आपको टायर मिल रहा है विद व्हील कैप। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिल्वर कलर के व्हील कैप यहाँ पर आपको फिट मिल रहे हैं। अगर हम चले यहाँ ऊपर तो यहाँ पर आपको टर्निंग इंडिकेटर मिलता है जो कि LED के साथ आता है। और ये मिरर आपका जो साइड मिरर है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट है, फोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से और अनफोल्ड इस तरीके से, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट है, आपको अंदर से ही एडजस्ट करा जा सकता है। उसके साथ बात करते हैं गाड़ी की एंट्री की, तो ये है आपको जो बॉडी कलर मिलेंगे डोर हैंडल्स, साथ ही साथ हमारी ये स्मार्ट की के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर भारी नहीं क्या करते मैडम, स्मार्ट बटन भी मिल रहा है। तो आप यहां से इस बटन को प्रेस करके गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। इतना रूट बोला। और अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये बात ये है अंदर का व्यू। अंदर का व्यू मेरे दोस्त मल्होत्रा जी आपको एक्सप्लेन करेंगे। मल्होत्रा जी शुरू करते हैं, फीचर्स आप बताइए इसके। आइए दोस्तों गाड़ी को अंदर से देखते हैं और फीचर एक्सप्लेन करते हैं कि गाड़ी किया इंडिया ने क्या इसमें एक्स्ट्रा और क्या एड ऑन किया है, इतना वैल्यू फॉर मनी कैसे हो गया है। तो आइए जानते हैं गाड़ी को अंदर से। प्लीज क्वेश्चन आइए। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी का। अगर आप देखेंगे इंटीरियर तो इस टोटली पियानो ब्लैक इंटीरियर है। पियानो ब्लैक इंटीरियर आप देख रहे हैं, फैब्रिक है, पियानो ब्लैक इंटीरियर है टोटल इसमें जो इंटीरियर है। और इसका बेनिफिट ये है कि इन केस ऑफ लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग रन पे जा रहे हैं, किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं समाओ और इंजॉय करते हुए फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो डस्ट अब्सॉर्ब कर लेगा, सेकेंडली आपको जो इससे पैचेस जो दाग वगैरह पैचेस है वो नहीं दिखेंगे। तो पियानो ब्लैक इंटीरियर का बेनिफिट भी है। और सेकेंडली इसके जो दोनों ही ड्राइवर को ड्राइवर सीट में आपको एयरबैग्स मिलेंगे, तो सीट कवर इसमें नहीं आते हैं, किया जेन्युइन सीट कवर भी नहीं आते हैं। और मार्केट से आप इसको लगवा भी नहीं सकते क्योंकि इसके एयरबैग जो है वो आप यूज नहीं कर पाएंगे। फाइन। और सेकेंडली अगर बात करें सर, इसमें सुना है कि इसमें 6 एयरबैग आते हैं, तो 2 आपने सीट पे बता दिए, 2 मैंने बता दिए, 4 एयरबैग टोटल 6 एयरबैग एज ए सेफ्टी फीचर 6 एयरबैग्स आते हैं। 2 आपके डैशबोर्ड में ड्राइवर और दोनों तरफ आपका ड्राइवर को ड्राइवर दोनों तरफ आएंगे, यानी एक यहाँ पर एक आपके को ड्राइवर डैशबोर्ड के उस तरफ आएगा सेकंड रो में, ठीक है। और 2 आपके जो एयरबैग आ रहे हैं वो सीट में आ रहे हैं आपके ड्राइवर सीट एंड को ड्राइवर में, और 2 आपके कर्टन में आ रहे हैं आपके। अच्छा, कर्टन आप देखेंगे कर्टन, तो वहां पर कर्टन एसी आपको 2 एयरबैग आपको मिलेंगे। डन सर। फाइन। एंड इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर जो हो गया, एक तो पुश बटन स्टार्ट आपको पहले नहीं आ रहा था, जो पुश बटन स्टार्ट इसमें एड ऑन प्रेस्टीज ऑप्शनल मॉडल में, मैनुअल मॉडल में ये एड ऑन हो गया। और ये है आपका एंटी कट इग्निशन। एक आइडल स्पीड पे आप जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी आप एक रेड लाइट पे रुकते हैं तो एक उसको स्टॉप एंड स्टार्ट इंजन हो जाता है, ब्लोअर उस पर चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इंस्टेंटली ग्रीन लाइट होती है तो आप ब्रेक को पैडल को दबाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बेसिकली हमारा एसी बंद हो जाएगा। अगर हमें एसी को ऑन करना है तो हमें क्लच को प्रेस करना होगा, प्रेस करना पड़ेगा। और अगर आप चाहें इसको कंटिन्यू ऑफ करना चाहें तो कंटिन्यू इंजन चलता भी रहेगा, तो ये दोनों ही ऑप्शन है। लेकिन ये BS 6.2 की गाड़ी है जो लास्ट ईयर अप्रैल ऑनवर्ड जो गाड़ियां आई थी न्यू नॉर्म्स के साथ आई थी और विद न्यू एमिशन नॉर्म के साथ आई थी। तो जस्ट टू ऑब्जेक्टिव टू सेव द फ्यूल इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड समथिंग जो भी प्लानिंग हुआ ARI ऑफ इंडिया ने, तो ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू सेव द फ्यूल। फाइन। आगे हम बात करेंगे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको जनरली आप देखेंगे कि गाड़ी जब स्किड होती है रेनी सीजन में या किसी हिली एरिया में जाते हैं तो ब्रेकिंग आपकी स्ट्रांग हो जाती है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल है आप देख रहे हैं इसको।
इसको ऑन कर लेंगे तो ब्रेकिंग थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, ग्रिप अच्छा हो जाता है रोड के ऊपर। ये आपका हेडलैम्प का आपका सेटअप है विजन क्लियर करने के लिए। आप विजन को आप लाइट लेबलिंग स्विच कहते हैं, यस लाइट लेबलिंग स्विच। चारों आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर मिल रहा है, फोल्डेबल मिरर इसमें नहीं आता। ओवर वीएम जो है आपका फोल्डेबल नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर है। चारों पावर विंडोज मिल रही है विद सेंटर लॉकिंग, आप अंदर से ऑपरेट कर सकते हैं। विंडो लॉक इसमें मिल रहा है आपको, इज अ विंडो लॉक कि आप विंडो को लॉक कर सकते हैं पीछे की। और ये आप देखेंगे तो एक छोटा है फीचर, लेकिन इज अ वेरी यूजफुल फीचर कि अगर आप पार्किंग कहीं गाड़ी पार्क करते हैं, पार्किंग टिकट विजिटिंग कार्ड समथिंग इसमें पार्ट्स कॉइंस पॉइंट्स वगैरह इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल। एंड इसके अलावा इसमें ऑटो हेडलैम्प भी मिल रहा है इसमें आपको। ऑटो हेडलैम्प का बेनिफिट ये है कि बार बार आपको ऑन ऑफ नहीं करना, जैसे ही आप इवनिंग में निकलते हैं और नाइट में ये अपने आप ऑटो ऑन में चला जाएगा, और जैसे ही आप गाड़ी से ऑफ करते हैं तो ये ऑटो कट हो जाएगा। जी सर। स्टीयरिंग कंट्रोल की बात करेंगे तो स्टीयरिंग कंट्रोल में अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी फंक्शन है, ट्रिप ए ट्रिप बी मीटर इसमें दिखा रहा है। आप जैसे किसी भी आप जा रहे हैं किसी डेस्टिनेशन पे तो ट्रिप मीटर आप यूज़ कर सकते हैं। टायर प्रेशर चेक इसमें स्टैंडर्ड मिल रहा है, गाड़ी जब आप रन करेंगे तो टायर प्रेशर चेक इसमें आपको ये दिखाएगा। आपको टायर प्रेशर कितना होना चाहिए सर वैसे इसके अंदर? टायर प्रेशर चेक जो है इसमें 36 आपका इसमें नॉर्मली इसमें होना चाहिए, डिपेंड ऑन कि गाड़ी कैसे ट्यूबलेस है, लाइक ये ड्रम के साथ है या अलॉय के साथ है, ये डिपेंड करता है। जनरली लोग कहते हैं कि जो हमारे टायर्स हैं उसके अंदर हमें नॉर्मल एयर डलवानी चाहिए या फिर आपका जो एयर नाइट्रोजन होती है वो फिल करानी चाहिए, मतलब इस बारे में आपकी क्या राय है? गर्मियों में हमेशा नाइट्रोजन जो है यूजफुल रहते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो ठंडा होता है, टायर को ठंडा रखता है। अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं या किसी लॉन्ग रन पे जा रहे हैं, हाई स्पीड पे जा रहे हैं, तो आप नाइट्रोजन गैस का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। एंड बेनिफिट ये है कि वो लीकेज नहीं होता है। आप देखेंगे नॉर्मल एयर डलवाएंगे कुछ टाइम, एक हफ्ते बाद आप देखेंगे गाड़ी कहीं कहीं ना कहीं कुछ एयर निकल जाती है, 4 PSI 5 PSI, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो जम जाता है, वो जो है टायर को ग्रिप दे देता है, प्रेजेंस अच्छा होता है और हीट को ऑब्जर्व कर लेता है क्योंकि वो खुद ठंडी गैस होती है। तो नाइट्रोजन अगर आप हाईवेज वगैरह पर जा रहे हैं तो वहाँ जो टायर फटने की समस्या होती है, समस्या जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन जो है हर स्टेशन पे नहीं, हर फिलिंग स्टेशन पे नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक कुछ ना कुछ बहुत अच्छे स्टेशन पे मिलेगी। दिल्ली के अंदर तो ऑल ओवर मिल ही जाती है ऑल ओवर, और ज्यादा चार्जेस भी नहीं है, 25 रुपए पर टायर लेते हैं। तो मैंने खुद भी अपनी गाड़ी में डाला है लेकिन उसकी एयर लीक नहीं होती है, इसका बेनिफिट तो है। देखा भी जाए तो आपकी मतलब टायर की भी लाइफ बढ़ रही है और इवन आपकी लाइफ, टायर की लाइफ बढ़े ना बढ़े हमारी लाइफ मैटर करती है, जो मेरा मानना है। क्योंकि एक बार यमुना एक्सप्रेसवे पे जाते हुए मेरे साथ हादसा हुआ था कि मेरी गाड़ी का टायर फट गया था, और वजह ये थी कि मुझे जो पुलिस वालों ने बताया जब गाड़ी का टायर फटा था, दे टोल्ड मी कि आपकी गाड़ी में जो एयर प्रेशर था अपने आप ही काफी ज्यादा होना शुरू हो गया था, तो उसकी वजह से वो टायर फटा। तो टायर जब एक स्पीड से क्रॉस कर जाता है, स्पीड इन द सेंस कि जैसे आप 80 और 100 की स्पीड क्रॉस कर जाते हैं, तो टायर का जो अगर देखेंगे उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन जो होता है और उसके अंदर जो हीट जो आपका रोड से जनरेट होता है और ग्रिप जो जो बना होता है वो लूज होना शुरू हो जाता है, टायर पिघलना एक तरह से शुरू हो जाता है, टायर के अंदर एक सपोर्ट नहीं होता है, टायर जितना ज्यादा गर्म होगा उतनी ज्यादा फटने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो विल हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं आपको कि आप नाइट्रोजन आप टायर फिल करवाएं, और अच्छा है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, लीकेज भी नहीं होगा और लॉन्ग रन में भी ये चलेगा। एक बार डलवाएंगे तो बार बार आपको सर्विस फिलिंग स्टेशन में जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर महीने में भी लगते हैं मेरे ख्याल से तो ज्यादा से ज्यादा 100-200 में लग जाएंगे। मैंने खुद अपने देखा है, मैंने मेरी गाड़ी जो है बहुत कम चलती है और मैंने 3 महीने पहले डलवाया था और आज मैंने प्रेशर चेक कराया तो उसका 34 प्रेशर आ रहा है, कोई इसमें लीकेज नहीं हुआ। ओके है, ओके। मतलब मैं तो ये भी कहता हूँ अगर हम महीने में 100 रुपए भी खर्च करने पड़ गया, 200 भी खर्च नहीं, अगर नम तो अपनी लाइफ के आगे कुछ भी नहीं है जब हम गाड़ी पे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर नॉर्मल एयर डलवाते हैं फिर भी आप 5-10 रुपए तो हर बार उसको देते हैं, हर हफ्ते देते हैं, तो बेटर है कि आप पर आप टायर उसमें आप डालेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट ही है, कस्टमर को व्यूअर्स को सबको बेनिफिट है इसका। और आगे चलते हैं हम लोग, डन सर, आगे चलते हैं और यहाँ चलते हैं, इसका फ्यूल ओपनर है ये आप देख रहे हैं, फ्यूल ओपनर और ये है आपका हुड ओपनर, आप बोनट को उसको आपको ओपन करने के लिए। और म्यूजिक सिस्टम जो है 7.25 का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है, किया जेन्युइन विद 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ आ रहा है ये। और इसके अंदर जो फंक्शन मिलेंगे आपको एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड वगैरह सब चीजें इसमें आपको प्रोवाइड की जा रही है। एंड सबसे बड़ी बात है ये कैप्टन, ये मॉडल जो है कैप्टन सीट है जो स्पेसिफिकली डिजाइन जो किया गया है कॉर्पोरेट बिजनेस क्लास के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप कैप्टन सीट अगर लेना चाह रहे हैं, पहले सिर्फ ओनली लग्जरी प्लस मॉडल में ये आ रहा था, नाउ किया इंडिया ने इसको प्लान किया है लोएस्ट, लाइक मैं इसको लोएस्ट नहीं कह सकता, इज द मिड मॉडल में इसको लॉन्च किया गया है 6 सीटर कैप्टन सीट। इसमें आपको बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई लैपटॉप पे काम कर रहे हैं समथिंग, आप पीछे से अगर लास्ट रो की मूवमेंट अगर करना चाह रहे हैं तो बहुत इजी टू मूव है, इजी टू आप आउट हो सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। तो इसको भी हम आगे कौशल इसको एक्सप्लेन करेगा रियर सीट पे, तो
तो फ्रंट में अगर हम बात करें तो ये आपने देख लिया सर, एंड इसमें एक चीज और भी है, ये आपका कप होल्डर, आपको इसमें ये आपको एक्स्ट्रा कप होल्डर मिल रहा है, ये अगर आप ड्राइव कर रहे हैं कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह कोल्ड ड्रिंक रखते हैं तो वो भी आपको मिल रहा है। जो और इसका ग्लव बॉक्स है क्या सर, वो आपको कूल मिलता है या कैसा है? नहीं, एसी ग्लव बॉक्स कूल नहीं है, ये सिंपली आपको जस्ट टू कैरी योर सर्विस बुक और समथिंग। एसी ग्लव बॉक्स का मोर ओवर मेरे को लगता है कोई यूज ज्यादा यूटिलाइजेशन होता नहीं है, क्योंकि उसका एयर का जो वेंट होता है वो इतना एयर को और जो भी आप कुछ भी आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह रखते हैं तो वो इतना ज्यादा चिल नहीं होता। क्योंकि अगर मैं किया की बात करूं, अगर किया को ये प्रोडक्ट ये चीज इतना यूजफुल लगता तो वो हर गाड़ी में इसको एसी ग्लो बॉक्स जरूर देते। फाइन, एंड यूएसपी ऑफ किया इज द फीचर सेफ्टी एंड द कस्टमर एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे चलते हैं हम लोग, ऑटो एसी इसमें मिल रहा है आपको, ऑटो एसी भी मिल रहा है। सेकेंडली आपको पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं आगे पीछे के चारों पार्किंग सेंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल होल्ड भी इसमें मिल रहा है आपको, डाउन हिल होल्ड जो सामने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है। सपोज अगर आप फ्लाईओवर से उतर रहे हैं 3 सेकंड का आपको होल्ड मिल जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें हम लोग कि आप किसी हिली एरिया से नीचे आ रहे हैं तो भी आपको डाउन द हिल होल्ड मिल जाता है। और यूएसबी पोर्ट स्टैंडर्ड है इसमें, यूएसबी पोर्ट स्टैंडर्ड है, 12 वोल्ट चार्जिंग है, लैपटॉप चाहे इन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा, एंड मोबाइल चार्जिंग यूनिट ये भी आपको मिल रहा है। और म्यूजिक सिस्टम की बात करेंगे तो एप्पल कार प्ले स्टैंडर्ड है इसमें, एंड्रॉयड ऑटो ये स्टैंडर्ड आपको मिल रहा है। एप्पल कार प्ले तो सर वैसे भी इसके अंदर मैंने सुना है आपका वायरलेस आता है, वायरलेस कह सकते हैं लेकिन ये कंपैटिबिलिटी सब्जेक्ट टू आपके कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, कौन सा ब्रांड का फोन यूज कर रहे हैं, हर फोन के साथ ये कंपैटिबल अलग अलग कंपैटिबिलिटी बनती है। ठीक है, उसके साथ आपको क्या है कि आपको ओरिजिनल वायर लेना है, अगर कंपैटिबल नहीं है तो ओरिजिनल वायर लेना पड़ेगा। और स्टीयरिंग कंट्रोल की बात करें तो इसमें आपका वॉइस कमांड आ गया, ब्लूटूथ आ गया, एफएम रेडियो आ गया, ये सारे फीचर इसमें मिल रहे हैं। फॉरवर्ड टू कौशल, कौशल आपको और पीछे का एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा थर्ड सेकंड रो के बारे में, बात करते हैं सेकंड रो की। सेकेंड रो का कुछ ये है व्यू, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको जैसा कि मल्होत्रा जी ने ऑलरेडी बताया था, डुअल टोन इंटीरियर आपको ऑलरेडी मिल रहा है ब्लैक एंड बेज। और ये है हमारा यहाँ पर यूजफुल फीचर जो हमें अक्सर पैसे दे के लगवाना पड़ता है और इतनी आसानी से लगता भी नहीं है, ये है फिटेड, यानी ये जो आपका विंडो है इसके साथ ही यहाँ एडजस्ट हो गया, पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पर आपको सनशेड लगा हुआ है। और निकालना है तो सनशेड ऐसे लगा दीजिए। सनशेड का फायदा सबसे बड़ा आपका इस सीजन में है, क्योंकि आप देखेंगे समर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो डायरेक्ट जो आपके फेस पर धूप आती है उससे आपको काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, हीट वेव वैसे ही चल रही है और आपकी गाड़ी की कूलिंग भी इवन अच्छी नहीं होती। तो अगर आप सेकंड रो में बैठे हुए हैं, क्योंकि फ्रंट रो के लिए सच ऐसा अलाउड नहीं है और सेकंड रो में इतनी बड़ी दिक्कत आती नहीं है, हर स्टेट में ये चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एज सच जिस हिसाब से बनाया गया है सेकेंड रो में भी आपको कोई पुलिस चालान वगैरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन ये श्योरिटी नहीं है मेरी साइड से, लेकिन मेरी गाड़ी में ऑलरेडी लगे हुए हैं, मुझे भी आज तक अभी किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका। इवन फर्स्ट में मैंने लगाया था तो मुझे रोक लिया था, लेकिन सेकंड रो में आज तक नहीं रोका। अब चलते हैं सेकंड रो के अंदर। तो सेकंड रो की ये सीट है, जैसा कि मल्होत्रा जी ने आपको शुरू में बताया था, ये हमारा 6 सीटर है। तो ये आप देख सकते हैं सीट, 6 सीटर सीट है। 6 सीटर की बात करें अगर हम, तो आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, आपको इस एरिया में बीच में जाने के लिए गैप भी मिलता है और इस सीट को आपको यहाँ से एडजस्ट भी करा जा सकता है। अगर मैं सीट को यहाँ ऐसे एडजस्ट करना चाहता हूँ, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी चाहूँ एडजस्ट कर सकता हूँ। ये इसका हेडरेस्ट है और आप देखेंगे मैं कितने आराम से बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ और मैं अगर सोना भी चाहता हूँ तो मैं सो सकता हूँ, मुझे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, 0.1% भी। उसके बाद ये आर्मरेस्ट है, अगर आर्मरेस्ट आपको फोल्ड करना है आप आर्मरेस्ट भी फोल्ड कर सकते हैं। पीछे जाने के लिए भी एक स्पेस मिला हुआ है, आप यहाँ से अगर छोटा बच्चा है तो आराम से पीछे जा सकता है। आपको यहाँ पर ऊपर लाइट्स भी मिल रही हैं, आप देख सकते हैं रूफ होल्ड करने के लिए हैंडल दे रखे हैं। पीछे की सीट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर ड्राइवर सीट में आपको एक पॉकेट मिला हुआ है, को ड्राइवर सीट के अंदर आपको 2 पॉकेट दिए गए, स्मॉल पॉकेट है और एक बड़ा पॉकेट है सेम साइज का। यहाँ से आप पीछे के एसी को एडजस्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पर देखिए ये रहा यहाँ पर पीछे के एसी के लिए। साथ के साथ आपको यहाँ पर 2 C-type चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं, साथ के साथ आप यहाँ पर अपना मोबाइल रख सकते हैं, कार्ड रख सकते हैं या कोई भी एक आइटम आप यहाँ पर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं सेकंड रो से थर्ड रो के अंदर। थर्ड रो में जाने के लिए 2 ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक गेट दिया गया है, यानी जो हमारी सीट है वो आपको 1 टच टंबल के साथ आती है जो आपको इलेक्ट्रिक टंबल है, और आप मैनुअली जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस लीवर को यूं करना पड़ेगा और ये आप यहाँ से डायरेक्ट पीछे जा सकते हैं। तो पीछे चलते हैं दोस्तों, ये है मेरा पीछे का स्पेस, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ कंफर्टेबली बैठ रहा हूँ। और मैं अगर अपनी हाइट की बात करूँ तो 5'7" की हाइट है और मैं इस सीट को 1 मिनट के लिए, ये देखिए
आप अगर स्पेस देखेंगे तो 5'7" की हाइट के बावजूद भी मुझे कंफर्टेबल स्पेस मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो एरिया मैं यहाँ अपना हाथ रख सकता हूँ, यहाँ पर आपको बोतल होल्डर कह सकते हैं, ग्लास होल्डर भी कह सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सी टाइप चार्जिंग पॉइंट दोनों साइड दिया गया है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सेम ये चीज यहाँ पर भी दी गई है। और अगर आप लंबी दूरी पर जा रहे हैं तो आप इस टाइप से इसको भी ऊपर कर सकते हैं, यानी अपने हेडरेस्ट को लगा सकते हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पर ऊपर रूफ लाइट भी दी गई है और दो एसी के वेंट भी दिए गए हैं। एसी के वेंट की अगर हम बात करें तो इसमें भी एक खासियत है, यहाँ पर आपको डिफ्यूजर मोड भी दिया गया है। ये डिफ्यूजर मोड का क्या फायदा होता है, अगर आप इस मोड को यूज करते हैं तो जनरली एसी की हवा जब कुछ लोगों के फेस पर आती है तो उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन के लिए आप अगर इसे डिफ्यूज करेंगे तो जो एयर है वो डिफ्यूज होकर के आएगी, वो अपने पूरे प्रेशर के साथ नहीं आएगी और आपको सर दर्द होने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब हम चलेंगे बूट वाले एरिया में और आपको बूट का हाल दिखाएंगे कि बूट कैसा है इसका, फिर मैं आपको उसके बाद वन टच स्टंबल दिखाऊंगा कि वन टच स्टंबल आपको कैसे यूज करना है। आते हैं पीछे, तो पीछे अगर हम देखेंगे तो आपको यहां पर ये टेल लाइट मिल रही है एलईडी, यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल रही है, ये ऊपर आप देख सकते हैं आपको यहाँ रूफ रेल्स मिल रही है स्टाइलिश रूफ रेल्स। साथ ही साथ शार्क फिन एंटीना, ये आपकी एरोडायनेमिक कटिंग्स के लिए भी अच्छा होता है प्लस आपकी गाड़ी के लुक्स को भी इनहेंस करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको यहाँ रिवर्स पार्किंग कैमरा दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिवर्स पार्किंग कैमरा प्लेस्ड है इस एरिया में, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सेंसर्स भी दिए जाते हैं। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर आपको ये सेंसर्स दे रखे हैं गाड़ी में पीछे। ये है हमारी सीटें, अगर हम बात करें इस बूट एरिया की तो आपको 219 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। अगर आप इस सीट को ऐसे कर देते हैं यानी एडजस्टमेंट में, अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है, दो बच्चे बैठे हैं पीछे, तो आराम से आपका बूट स्पेस बढ़ जाएगा। अगर आप और ज्यादा बूट स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो इस एरिया की ट्रे को आपको हटाना पड़ेगा, तो आपका जो बैग है वो नीचे के एरिया में और ज्यादा अच्छे तरीके से रखा जा सकता है। अगर आप फोल्ड करते हैं तो फिर तो बूट स्पेस का क्या ही कहना, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बूट स्पेस मिल रहा है। इस क्लास के अंदर इतना बड़ा बूट स्पेस आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलता और इस प्राइस में नहीं मिलता। इवन अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस जस्ट 12,11,900 रुपीज है, जो कि इस क्लास में किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलता। इसीलिए कारेंस छाई हुई है, जैसा कि विनय जी ने पहले ही आपको बताया था कि गाड़ी ऑलरेडी डिमांडेड है, हाई वेटिंग पर है, इसी रीजन की वजह से। अब चलते हैं, हम आपको वन टच स्टंबल दिखाते हैं यहाँ पर। तो वन टच स्टंबल को यूज करने के लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, जस्ट आपको इस बटन को प्रेस करना। आप ये बटन देख सकते हैं यहाँ पर, ये बटन बना हुआ है, लेकिन हमें एक सावधानी रखनी है हमेशा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सीट है तो आपको कभी भी यू करके फेस इसको, आपको वन टच स्टंबल को यूज नहीं करना, आपको केवल ये बटन प्रेस करना है। जस्ट यहाँ से आपने बटन प्रेस करा और ये देखिए मैनुअली। साथ के साथ आप इस सीट को भी, मैंने जैसा उस सीट को दिखाया था, इस लीवर से एडजस्ट कर सकते हैं आप अपनी पोस्चर के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ यहां से सीट को स्लाइड भी करा जा सकता है, आप नीचे से आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू, एक छोटी सी डिटेल, मेरे साथ मल्होत्रा जी ने आपको डिटेल्स दी, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से आपको काफी सारी चीजें समझाई, सेफ्टी से रिलेटेड बातें बताई। तो अभी हम एक लास्ट चीज रह गई है बस, आपको इस गाड़ी को ऑन करके दिखाएंगे की से कैसे ऑन करना है। तो एक बार मेरे को गाड़ी को उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी बैटरी मोड पर है तो मुझे ऑफ करना पड़ेगा, देन मैं आपको दिखाता हूं और फिर कंडीशंस भी बताता हूं। तो अपनी की से ऑन करना है इस स्मार्ट की से। स्मार्ट की से ऑन करने के लिए सबसे पहले आपके सारे दरवाजे लॉक्ड होने चाहिए, हुड बंद होना चाहिए, डिक्की बंद होनी चाहिए, हैंड ब्रेक फुल लेंथ पर इंगेज होना चाहिए। ये सारे काम करने के बाद आपको गाड़ी को लॉक करना है, फिर एक बार अगेन लॉक का बटन दबाना है और देन उसके बाद आपको इस होल्ड के बटन को प्रेस करके रखना है कुछ सेकंड्स के लिए, और आप देखेंगे आपकी गाड़ी थोड़ी सी देर में ही स्टार्ट हो जाएगी और लाइक दिस आपकी गाड़ी ऑन हो गई। अब इस ऑन होने का फायदा क्या है, ऑन होने का फायदा है गर्मी के सीजन में, जो ये टाइम चल रहा है इस टाइम में आपकी गाड़ी गर्म हो चुकी होती है अच्छी खासी, आपने गाड़ी को ऑन कर दिया तो 10 मिनट के लिए आपकी गाड़ी ऑन हुई, 10 मिनट तक उस गाड़ी का एसी भी ऑन हो गया, जब आप अपनी गाड़ी के पास आएंगे तो आपको गाड़ी चिल मिलेगी। कुछ लोगों के मन में डाउट्स ये भी होता है कि क्या मेरी गाड़ी को खोल करके कोई लेके जा सकता है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं लेके जा सकता। कैसे नहीं लेके जा सकता, अगर मैं इसे खोलना चाहूँ तो आप देख सकते हैं मैं इस हैंडल से यहाँ पर इसे खोल भी नहीं पा रहा, ये हैंडल टूट जाएगा लेकिन गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर इवन मैं गाड़ी का ग्लास तोड़ देता हूँ और अंदर चला जाता हूँ तो अंदर जाने के बाद भी अगर मेरे पास की नहीं है और मैं गाड़ी को आगे लेके जाना चाहूँगा तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, तो आपकी गाड़ी वहीं पर बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी, मेरे साथ विनय मल्होत्रा जी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मल्होत्रा जी का चैनल है कार शो विद विनय, मेरा चैनल है कौशल शर्मा ब्लॉग्स। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उसके लिए आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मल्होत्रा जी को कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मल्होत्रा जी का और मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे शोरूम की बात करें तो हमारा शोरूम है फ्रंटियर किया के नाम से सफदरजंग इनक्लेव में। आपको हम बेस्ट टू बेस्ट डील देंगे, बेस्ट से बेस्ट ऑफर देंगे, जल्दी से जल्दी आपकी गाड़ी भी अरेंज करेंगे। आप हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। बाकी ओवर टू विनय जी। विनय जी बताएं आप बाकी चीज। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स एंड कौशल के साथ आज मेरा फर्स्ट सेकंड शो था। सो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स एंड कार शो विद विनय में आप लोग बने रहे। एंड कौशल शर्मा इज माय न्यू व्लॉग प्लेयर एंड द फ्रेंड जिसने अभी व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो कीप वॉचिंग कौशल व्लॉग ऑल्सो। सर आपका नंबर? माय नंबर इज 9990253251 एंड माय अगेन रिपीट कर दीजिए। सेकंड नंबर इज 8920340498। You call me anytime, just send me a SMS or WhatsApp or something. If you have any query, just call me and I'll give you the best deal. And Kaushal is also here. We are from Frontier Kia Safdarjung showroom. And Frontier Group ki bare mein baat karu to is a big group. Frontier Group ke agar main brand ki baat karu, dealership ki baat karu to hamare Kia ke teen showroom hai. One is in Delhi Safdarjung, second is MG Road Gurgaon, third is in Golf Course. To aapki reach ke andar hum pure NCR ki puri hamari reach hai. एंड सेकेंड जो हमारा ब्रांड है ग्रेटर नोएडा में एम जी है, एम जी हेक्टर अगर आप लेना चाहें तो नोएडा ग्रेटर नोएडा में शोरूम है। होंडा के लिए बात करेंगे तो सोना रोड आप फ्रंटियर होंडा में भी बात कर सकते हैं। हुंडई का शोरूम हमारा द्वारका में है तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। वॉक्सवैगन का शोरूम हमारा दिल्ली में दो शोरूम है, लाजपत नगर एंड सेकेंड शोरूम इज सफदरजंग एन्क्लेव दो। और अगर मैं थर्ड शोरूम की बात करूँ तो ये आपको गुड़गांव 32 माइल स्टोन पे है। तो कार शो में दोनों बने रहें, कौशल किशोर को भूले ना और मुझे भूले ना। कीप वॉचिंग कार शो विद विनय। थैंक यू वेरी मच दोनों। तो दोस्तों विनय जी ने हमारे ग्रुप के बारे में आपको सारा बता दिया, हमारे कौन कौन से शोरूम हैं, किस कार के साथ हम डील करते हैं, एमजी के साथ हम डील करते हैं, हुंडई के साथ हम डील करते हैं, महिंद आपका किया के साथ हम डील करते हैं और उसके साथ हम फॉक्सवैगन के साथ भी डील करते हैं और स्कोडा के साथ भी डील करते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं अगर अपने नंबर की बात करूँ तो मेरा नंबर है 9971849449। जी हाँ 9971849449। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा और आप लोग मुझे और विनय जी को एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। विनय जी इज अ सीनियर गाय, मेरे सीनियर हैं और कार शो भी विनय में अगर आप देखेंगे तो विनय जी के बहुत सारे फॉलोवर्स भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप अगर इनकी वीडियोज देखेंगे तो उन्होंने एक्सेसरीज और आपको कार्स मतलब बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, आप देखना चाहें तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, आपको अच्छी से अच्छी चीजें भी मिलेंगी। थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो को प्लीज वॉच करते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।